शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दरअसल ये पंक्तियां जो हैं भारत माता की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे देने वाले उन अमर जवानों के लिए की जाती हैं जिन्होंने ना अपने परिवारों के बारे में सोचा, ना अपने भविष्य के बारे में सोचा, बल्कि उन्होंने सोचा तो भारत के आने वाले भविष्य और भारत के नौजवानों के लिए जो भी आने वाला भविष्य है उसके बारे में सोचा। जहां एक ओर ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो निसंदेह रूप से अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की सच्चे दिल से सेवा करना चाहते थे। औपनिवेशिक काल की अगर बात करें तो अंग्रेजों द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही थी, जो भी कानून बनाए जा रहे थे, वह न केवल भारत के लोगों के खूनों को चूसने के लिए बनाए जा रहे थे, बल्कि भारत माता के रगों में बह रहे लहू को भी चूसने के लिए बनाया जा रहा था। सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात भारत हर तरह से लूटा जा रहा था। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी सेवाओं के माध्यम से भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो कि समानता और समाजवाद के सिद्धांत पर स्थापित हो। तो ऐसे ही में ही बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी की जिसकी अभी 11 जून को 126वीं जयंती मनाई जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं एक महान क्रांतिकारी और एक कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी की। मेरा नाम है सलमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम राम प्रसाद बिस्मिल जी से संबंधित उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे समाज को देखते हुए हमें अपने विचारों में उन किन बातों को समावेशन करना चाहिए जो कि एक सच्चे देशभक्त के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करें आज हम इस वीडियो के माध्यम से किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद यह खबर चर्चा में क्यों है, इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी के प्रारंभिक जीवन और उनका आर्य समाज से क्या जुड़ाव था इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्रांतिकारी जीवन और उनके उसके बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटना जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, काकोरी ट्रेन एक्शन जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है, और इसके बाद मृत्यु और विरासत के बारे में यानी कि इनकी मृत्यु कैसी हुई रामप्रसाद बिस्मिल जी की इसके बारे में पढ़ेंगे, और उनकी क्या विरासत रही यानी कि उनकी जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, और इसके बाद एक प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि खबर क्या है। दरअसल अभी एक खबर आई थी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में, अ रिवोल्यूशनरी एंड अ पोएट हु वाज रामप्रसाद बिस्मिल, एक क्रांतिकारी और एक कवि रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे। तो यह जो खबर थी और यह खबर जो है चर्चा में क्यों रही, तो चर्चा में रहने का जो प्रमुख कारण था यह कारण था 126वीं जयंती। दरअसल रामप्रसाद बिस्मिल की अगर बात करें तो इनका जन्म 11 जून 1897 को हुआ था और 11 तारीख को इनकी 126वीं जयंती थी, इसकी वजह से यह खबर सुर्खियों में रही। यह एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे, साथ ही साथ क्रांतिकारी भी थे। तो इनके जो शब्द थे और इनके जो कार्य थे, इन्होंने भारतीयों की जो भी आने वाली पीढ़ियां थी उनको कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने का कार्य किया है, जिसकी वजह से यह पूरा टॉपिक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन दिखाई दे रही है, यहां पर काकोरी लिखा हुआ है। यह घटना जो है आजादी के दौरान काफी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जो कि इनके जीवन से जुड़ी हुई है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन क्या था और इनका आर्य समाज के साथ कैसे जुड़ा हुआ। अगर हम बात करें रामप्रसाद बिस्मिल जी के प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जो जन्म हुआ था 11 जून 1897 के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक राजपूत तोमर परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम मूलमती था तथा पिता का नाम मुरलीधर था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 19 दिसंबर 1927 को इन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी, तो इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, इनकी शिक्षा दीक्षा की, तो हिंदी भाषा में का ज्ञान इन्हें अपने पिता से ही प्राप्त हुआ और उर्दू भाषा का ज्ञान अपने पड़ोसी एक मौलवी से प्राप्त होता है, और इन्हें लोकल स्थानीय अंग्रेजी भाषा के स्कूल में भी भेजा गया, और इस तरह से प्रारंभिक जीवन में इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इस तरह से यह एक अच्छे कवि और अच्छे लेखक के रूप में उभर करके तो सामने आते ही आते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता है तो इनके जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, समाज में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं
जिससे कि प्रेरणा लेकर के इन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ रहा था, ये थोड़े से वयस्क हो रहे थे, तो उसी दौरान मंदिर में एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है जिनका नाम था मुंशी इंद्रजीत, और मुंशी इंद्रजीत ने ही इन्हें आर्य समाज के बारे में बताया तथा स्वामी दयानंद सरस्वती जो द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ने को भी दी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जब इनकी मुलाकात मुंशी इंद्रजीत जी से हुई थी, जिन्होंने इनको आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया था कि जब ये आठवीं क्लास में थे तो इनके स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल था वहां पर सौभाग्य से जब ये आठवीं कक्षा के विद्यार्थी थे स्वामी स्वामदेव का आगमन हुआ और मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद बिस्मिल जी को स्वामी सोमदेव के हवाले कर दिया, जिससे कि जब इन्होंने आर्य समाज में दाखिला लिया यानी कि जब ये आर्य समाज में जुड़ जाते हैं और स्वामी सोमदेव के शरण में आते हैं तो उनसे वार्तालाप के दौरान विभिन्न राजनीतिक मतों और वैचारिक मतों के आदान प्रदान के दौरान इनकी जो बुद्धि होती है वो और भी प्रखर होती चली जाती है धीरे धीरे और यह एक लेखक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और इसी दौरान इन्होंने हिंदी और उर्दू में अज्ञात एवं राम जैसी रचनाओं का संकलन किया और साथ ही साथ इसमें देशभक्ति के छंदों को भी उकेरा। और इसी दौरान इनकी एक प्रसिद्ध जो कविता थी, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई वह बिस्मिल थी, जो कि इनके नाम में भी लगा हुआ है। दरअसल बिस्मिल की अगर बात करें तो बिस्मिल का मतलब जो होता है घायल या बेचैन होता है। इनके आगे यह जो नाम लगा है बिस्मिल, दरअसल यह इनका तखल्लुस है, तखल्लुस का मतलब उपनाम है, और इन्होंने इस नाम से एक रचना भी रची थी। कब? जब ये आर्य समाज में जुड़े थे और आर्य समाज में जब ये स्वामी स्वामदेव के शरण में आए थे। इन्हीं रचनाओं के दौरान वर्ष 1916 में मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने क्रांतिकारी जीवन में अपना कदम रखा और 18 वर्ष की आयु में जब आर्य समाज मिशनरी भाई परमानंद को मौत की सजा दी गई तो इन्होंने एक कविता लिखी। इन्होंने अपना गुस्सा निकाला उस कविता में जिसका नाम था मेरा जन्म। मेरा जन्म किससे जुड़ी हुई थी, यहां पर आप ध्यान रखिए कि आर्य समाज मिशनरी भाई परमानंद को जब मौत की सजा सुना दी जाती है तो अपना गुस्सा निकालते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा था, इसका नाम था मेरा जन्म। तो इससे संबंधित सवाल हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछ लिया जाए या सीधे सीधे यही पूछ लिया जाए कि मेरा जन्म नामक कविता को किसने लिखा है, तो रामप्रसाद बिस्मिल जी द्वारा इसे लिखा गया था। अब बात करें इनकी यदि क्रांतिकारी जीवन की, तो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और इसी दौरान इन्होंने देखा कि जो भी कांग्रेसी है जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह से मोर्चा खोले हुए हैं तो उनकी जो अनुनय और विनय की नीति है यानी कि बात करने और उदारता पूर्वक अपनी मांगों को रखने की जो नीति है उससे इनका मोह भंग हो जाता है और वो ये कहते हैं कि बातचीत एवं जो भीख मांगने की जो नीति है कांग्रेस की, मैं इस पे सहमत नहीं हूं। यदि हमारा हक छीना जा रहा है तो हमें अपने हक पाने के लिए हिंसा का भी रास्ता यदि अपनाना पड़े तो निसंदेह रूप से मैं उसको अपनाऊंगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कुछ पंक्तियां कहते हैं जो इस प्रकार सी थी, दुनिया में से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। यहां पर इस लाइनों का आशय यह है कि मुख्य रूप से जो भारत दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो इस दास्ता का मैं नाम और निशान मिटा दूंगा और साथ ही साथ एक स्वतंत्रता के एक नए युग का प्रारंभ करूंगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इनका जो कांग्रेस के उदारवादी नीति थी उससे मोह भंग हो जाता है और यह हिंसा का मार्ग पर भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के बाद अगर बात करें तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य, भारत मां को आजाद कराने के क्या उद्देश्य, इसके साथ ही साथ एक ऐसे समाज की स्थापना करने का उद्देश्य जो कि समानता और समाजवाद के सिद्धांत पर बनी हुई हो, और अपने इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मातृवेदी या मातृभूमि की वेदी नामक संगठन का संचालन किया यानी कि एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम था मातृवेदी या मातृभूमि की वेदी। और इसी दौरान वर्ष 1918 में इन्होंने एक प्रसिद्ध कविता लिखी जो कि काफी फेमस हुई और उदारवादी राष्ट्रवादियों के दिलों में ये एक तरह से छा गए और इनकी जो यह कविता थी मैनपुरी की प्रतिज्ञा थी जिसे कि पंपलेट के रूप में लोगों में बांटा गया। जहां एक ओर यह राष्ट्रवादियों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे तो वहीं अंग्रेजों के मन में इनके प्रति खटास भी उत्पन्न हो रही थी। तो अब इनके उद्देश्यों के लिए जो यह संगठन इन्होंने बनाया था, इस संगठन को धन की आवश्यकता थी क्योंकि कोई भी योजना संचालन करने के लिए धन की जरूरत होती है, तो इसके लिए इन्होंने लूटपाट
का रास्ता अपनाया और लूटपाट के दौरान ही जब इनकी भिड़ंत होती है अंग्रेजी सैनिकों से तो ये भागने में कामयाब हो जाते हैं और ये कुछ दिनों तक भूमिगत रहते हैं। भूमिगत रहने के दौरान ही इन्होंने मन की लहर कविता का विमोचन किया, साथ ही साथ कुछ कविताओं का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद भी किया जिसमें से बोल्शेविकों की करतूत जैसी रचनाएं शामिल रही। तो यह इनकी मुख्य बातें रही इससे जुड़ी हुई। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब इनका मोहभंग हो जाता है कांग्रेसों की अनुनय और विनय की नीति से तो इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाने का निर्णय लिया। मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो घटना जिसने इस पार्टी के गठन का निर्णय लेने पर इन्हें मजबूर कर दिया था वो यह था कि 1922 में जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कैसे होती है कि वर्ष 1920 में मणिपुर षड्यंत्र में जो भी कैदी जेल में बंद हुए थे उन्हें सब उन सभी को रिहा कर दिया जाता है और इसी दौरान ये शाहजहांपुर लौट आते हैं। और जब शाहजहांपुर ये लौट आते हैं तो उस दौरान गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा होता है तो वह इस आंदोलन में लोगों को जोड़ने के लिए जुट गए, यानी कि इन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य किया। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन वर्ष 1922 में गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया जाता है तो इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाने का निर्णय लिया। तो इन्होंने जिस पार्टी का गठन किया था उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसके संस्थापक सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल जी तो थे ही, साथ ही अशफाकउल्लाह खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल थे। हालांकि बाद में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल हो जाते हैं, यानी कि इस एसोसिएशन में शामिल होते हैं, लेकिन संस्थापक सदस्यों के रूप में यही लोग थे। कौन कौन? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो ये नाम काफी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि प्रश्न इससे पूछा जाता है कि एचआरए की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन शामिल था या कौन नहीं शामिल था, तो ये बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करें इससे इसके आगे कि जब इसका स्थापना हो जाती है तो इसकी स्थापना के दौरान इसका एक घोषणा पत्र भी जारी किया जाता है 1 जनवरी 1925 को, और यह घोषणा पत्र मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ही बनाया जाता है। अब यह घोषणा पत्र क्या होता है तो इस घोषणा पत्र में पार्टी का जो तात्कालिक उद्देश्य था वह लिखा होता है। यह उद्देश्य क्या था? राजनीति के क्षेत्र में एक संगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना। अब यह जो संघीय गणराज्य जो स्थापित किया जाएगा इस पार्टी के द्वारा, यह गणराज्य मुख्य रूप से समानता और समाजवाद के सिद्धांत पर तो आधारित होगा ही होगा, साथ ही साथ यहां पर वयस्क मताधिकार का की भी स्थापना की जाने की बात की गई थी। ये इसके उद्देश्यों में शामिल था। अब ये जो एचआरए था इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया जिसे कि काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड किया जाता है। तो आइए एक बार काकोरी एक्शन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड की अगर बात करें तो इस घटना को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था। दरअसल यह जो घटना थी यह एचआरए के द्वारा अब तक की पहली और सबसे बड़ी कार्यवाही थी। यह कब घटित हुई थी? 1925 में। इसमें क्या हुआ था कि शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत इस ट्रेन के द्वारा जो भी खजाना ले जाया जा रहा था, ऐसा माना जाता था इन लोगों के द्वारा कि यह जो खजाना है यह भारतीयों का ही है, यह धन जो है यह भारतीयों का ही है, तो इसको लूटने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि यह जो सारा पैसा है, सारा माल है, यह हम भारतीयों का ही है। तो इसके अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी नामक एक स्थान पर ट्रेन लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें मुख्य रूप से अंदर बैठे सब राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींच करके ट्रेन को रोक देते हैं और इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्लाह खान सहित लगभग 10 क्रांतिकारी ट्रेन में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर ट्रेजरी बैग को ये लोग लूट लेते हैं जिसमें तकरीबन 4600 रुपए की राशि रहती है। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा कई दमनात्मक कार्यवाही की जाती है जिसमें मुख्य रूप से कई हिंसक कार्यवाहियों का अंजाम दिया जाता है। इसमें जो मासूम जनता थी उन लोगों को भी काफी प्रताड़ित किया गया। हालांकि बाद में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर के सभी जो भी इसमें शामिल थे, जो इस कांड में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अक्टूबर में रामप्रसाद बिस्मिल जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तकरीबन 18 महीने की लंबी सुनवाई चलती है और इसके बाद 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। कहां पर? गोरखपुर जेल में। तो ये फैक्ट भी परीक्षा में पूछा जाता है
कि राम प्रसाद बिस्ट को कहां पर फांसी दी गई, गोरखपुर जेल। और किन किन को फांसी दी गई थी, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भी फांसी दी गई थी। तो इस तरह से भारत माता की सच्ची सेवा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन इनके जो आदर्श और जो इनके विचार थे भारत के एक आदर्श समाज की स्थापना में, वो निसंदेह रूप से आगे चल करके भारत के नौजवानों को प्रेरित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। और निसंदेह रूप से इनके विचारों ने भारत माँ को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्हीं की जो जयंती है 126वीं जयंती, तो इनके विचारों को याद करते हुए हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, जिससे कि जो भी हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां हैं वह एक खुले और स्वच्छ समाज में सांसें ले सके और अपने आने वाली भविष्य के लिए एक बेहतर निर्णय लेने में स्वयं को सक्षम बना सके। तो यह कुल मिलाकर के एक महान क्रांतिकारी और एक महान कवि यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। अब आइए देख लेते हैं कि इससे जुड़ा क्या सवाल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम और अज्ञात रामप्रसाद बिस्मिल की रचना है। रामप्रसाद बिस्मिल को 32 वर्ष की आयु में फतेहपुर जेल में फांसी दे दी गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दर्ज कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।